सोशल मीडिया पर रश्मि देसाई के फैंस ने अब आराम से और बड़े ही प्यार से रिक्वेस्ट की है उमर रियाज के फैन से। जी हाँ, ये दोनों के फैंडम्स आपस में क्यों बातें कर रहे हैं और रश्मि के फैंडम ने क्यों रिक्वेस्ट की है उमर के फैंडम से, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू सिने स्पीक्स, दिस इज ज्योति नाहक, ज्योति नाहक 7 इंस्टा पर मेरी आईडी है, आप लोग चाहें तो जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। उमर और रश्मि की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही अनसर्टन तरीके से खत्म हुई एंड अभी भी उमरश #उमरश जो है वो एक्सपेक्टेड है। फैंस चाहते हैं कि ये दोनों साथ में या तो कोई म्यूजिक वीडियो करें या फिर साथ में एटलीस्ट फ्रेंड्स बन जाए। एक म्यूजिक वीडियो आने से पहले ही इनकी दोस्ती खत्म हो गई। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जहां उमर एक तरफ अपने प्रोफेशनल वर्क कमिटमेंट्स पर बिजी है, वहीं दूसरी तरफ रश्मि देसाई इज टेकिंग अ ब्रेक फॉर हरसेल्फ। वो इस वक्त मेंटली और फिजिकली अपने आप को हील कर रही हैं, हेल्दी हो रही हैं। बट इसी के साथ साथ एक पोस्ट सोशल मीडिया, एक नहीं आई थिंक ये पोस्ट सोशल मीडिया पर, ये देखिए पहला पोस्ट, ये दूसरा पोस्ट, ये तीसरा पोस्ट, ये सेम ही कैटेगरी के पोस्ट वायरल हो रहे हैं जहां पर उमरश की तस्वीर है और यहाँ पर काफी कुछ लिखा है। जी हाँ, रश्मि के फैंस लिखते हैं, स्टॉप ब्लेमिंग रश्मि फॉर एवरीथिंग, लेट द गर्ल मूव ऑन फ्रॉम पीपल एंड लेट हर लिव हर लाइफ इन पीस नाउ, डोंट टारगेट एनीवन दिस मच that they will lose hope, lose faith in humanity. Please focus on your favorites and leave Rashmi alone. जी हाँ, अभी भी कुछ उमर के फैंस ऐसे हैं जो रश्मि देसाई को ट्रोल कर रहे हैं, जिसके बाद रश्मि के फैंस ने बड़े ही प्यार से सटल तरीके से इस बात को कहा है कि हम लोग मूव ऑन कर चुके हैं, रश्मि के फैंडम्स रश्मियंस मूव ऑन कर चुके हैं, इट्स हाई टाइम उमरश के जो फैंस है वो भी मूव ऑन करें और उमर के जो फैंस हैं वो किसी भी चीज के लिए रश्मि देसाई को ब्लेम करना बंद करें। पहले आपको इस बारे में क्या है कहना, आप लोग बताइए हमें कमेंट बॉक्स में।